हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने 10th क्लास का लेसन नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फिट आधा कर लिया था। उसके दो तीन क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, उसी से आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे। एज अ टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। इस उत्सुकता से कि वह लंदन की भीड़ से बच जाएगा, उसने आइपिंग के लिए एक ट्रेन पकड़ ली थी। वेयर ही बुकड टू रूम्स एट द लोकन इन, वहाँ उसने एक साधारण सी सराय या धर्मशाला के अंदर एक कमरा बुक दो कमरे बुक कर लिए थे। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंज एट इन इन विंटर वॉज एनी केस एन अनयूजल इवेंट्स। इतनी रात गए एक अजनबी का धर्मशाला के अंदर आना, और वो भी सर्दी के समय में विचित्रता का प्रश्न बनता जा रहा था। ए स्ट्रेंजर ऑप्शन अनकॉमन अपीयरेंस एट ऑल टंग्स वैगिंग। सभी चारों ओर इस बारे में बातें चलनी शुरू हो गई थी। मिसिज हाल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट्स टू बी फ्रेंडली। श्रीमती हाल जो कि उस सराय की मालकिन थी, उससे बार बार मित्रता की कोशिश कर रही थी। बट ग्रिफन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, परंतु ग्रिफन की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वह उससे बात करे या उसे कुछ बताए। माई रीजन फॉर कमिंग ऑफ आइपिंग इन ए डिजायर फॉर सोलिट्यूड, उसने बता दिया कि मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद है कि मैं यहाँ अकेलापन चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मुझे मेरे काम में कोई भी दखलंदाजी पसंद भी नहीं। बिसाइड्स एन इंसिडेंट हैड अफेक्टेड माई फेस, एक बात और बता दूँ कि एक दुर्घटना घटित हो गई थी जिसके कारण मेरा सारा चेहरा ही खराब हो गया है। सेटिस्फाइड दैट हिज हर गेस्ट एन एकेडमिक साइंटिस्ट, वो इस बात से तो संतुष्ट हो गए थे कि जो उनका मेहमान है वो बड़ा एसन की वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ फैक्ट ही हैड पेड हर इन द एडवांस, और उन्होंने पहले ही एडवांस में ही सारी पेमेंट जमा भी करा दी थी। मिसिज हाल वाज प्रिपेयर्ड टू कॉजेज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड हरिएबल टेम्पर्स। श्रीमती हाल कई दिनों से देख रही थी कि जो उसका व्यवहार है उसकी आदतें बड़ी ही विचित्र है और उसका स्वभाव हमेशा चिड़चिड़ा ही बना रहता है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, परंतु चुराया वो पैसा ज्यादा दिन नहीं चलता। एंड प्रेजेंटली ग्रिफन हैड नो एडमिट दैट ही हैड नो मोर एनी रेड कैश। अब ग्रिफन के पास एक समस्या और आ गई, उसके पास कोई रेड कैश था ही नहीं। He pretended, however, that he was expected a check to arrive at any moment. और वह बार बार दिखावा कर रहा था कि उसके पास अभी किसी भी पल कोई चेक आ सकता है। Shortly afterwards, a curious episode occurred. उसी दौरान एक बड़ी ही विचित्र घटना घटित हो गई थी। Very early in the morning, a clergyman and his wife awakened by noise in the study. जो पादरी था उसने और उसकी पत्नी ने कमरे के अंदर कुछ शोर शराबा सुनाई दिया था। क्रीपिंग डाउन स्ट्रेट वे जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतर कर आए। दे हियर द चिंक ऑफ मनी बिंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क, उन्हें आवाज आ रही थी कि जैसे उनके डेस्क से कोई पैसे निकाल रहा हो। विदाउट मेकिंग एन इनवॉइस विद ए पोकर गैप्स्ड फिर्मली एट हिज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर। बिना में शोर शराबा किए हुए और हाथ में एक डंडा लिए हुए पादरी ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया था। सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो। Then to his amazement he realized that the room was paid to be empty. इस बात के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा कि उन्होंने ये तो महसूस किया कि कमरा तो पूरी तरह से खाली लग रहा है। He and his wife looked under the desk. उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे भी देखा, behind the curtains पर्दों के पीछे भी देखा, and even up the chimney चिमनी के वहाँ भी। There was no sign of anybody. वहाँ कोई किसी तरह के निशान ही नहीं थे। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, द हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग। लेकिन जैसे ही उस डेस्क को खोला गया था, घर के जितने भी पैसे वहां रखे हुए थे सारे के सारे गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपेंस, बड़ी ही अद्भुत घटना है ये। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन पादरी यही बात चिल्ला रहा था। बट इट वॉज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड द बिहेवियर ऑफ मिसिज हाल्स फर्नीचर एट लिटल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन थोड़ी देर बाद एक और विचित्र घटना घटित हो गई थी कि श्रीमती हाल का जो फर्नीचर था वो अपने आप ही जैसे चलना शुरू हो गया हो। द लैंडलॉर्ड्स एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। मालिक और मालकिन दोनों ही बड़े हैरान हो रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा कि वैज्ञानिक का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, अक्सर वह बंद रहता और ताला लगा रहता है। एंड ही वॉज फरियस इफ एनी बॉडी एंटर्ड हिज रूम, और वह हमेशा क्रोध में आ जाता है जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, और अब वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। दे पीर्ड अराउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे में झांक कर देखा, सा नो बॉडी एंड डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने सोचा कि कुछ खोज भी नहीं कर ली जाए। द बेड क्लोज वर कोल्ड, जितने भी बिस्तर थे वो बिल्कुल ठंडे लग रहे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन फॉर द सम टाइम, ऐसे लग रहा था जैसे वैज्ञानिक काफी टाइम से उन बिस्तरों में लेटा ही न हो। एंड स्ट्रेंजर स्टील्स,
द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर्लिंग अबाउट धर्म। और उसने देखा कि जो कपड़े और जो पटिया वो हमेशा पहने रखता है वो सारी के सारी कमरे में बिखरी पड़ी है। ऑल ऑफ ए सडन मिसिज हाल हियर्ड अ स्निफ नॉइज टू हर ईयर। अचानक ही श्रीमती हाल के को बिल्कुल अपने कान के पास ही सू सू की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। ए मोमेंट्स लेटर द हैट ऑन द बेड स्पैट लेफ्ट एंड रेस्ट इट्सेल्फ इनटू हर फेस। अगले ही पल उसने देखा कि टोपी हवा में अपने आप उड़ रही है और सीधी उसके चेहरे पर आकर लगी है। देन द बेडरूम चेयर्स बिकम अलाइव। और ऐसे लग रहा था जैसे कि जो उनके कमरे में कुर्सी लगी रखी हुई है वह भी जिंदा ही हो गई हो। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर चांस स्ट्रेंज एड हेयर लेग्स फॉरवर्ड्स। ऐसे लग रहा था जैसे कोई आगे कदम बढ़ाता चला आ रहा हो। एस शी एंड हर हस्बैंड टर्न्स अवे इन द हॉरर। वह और उसकी उसका पति दोनों हिडर के मारे पीछे सरकते जा रहे थे। द एक्स्ट्रा नो ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। अचानक ही उस असाधारण सी कुर्सी ने उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया और दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और ताला बंद हो गया। मिसिज हाल ऑलमोस्ट फेल डाउन द अपस्टेयर्स इन हिस्टीरियस। वह तो बेहोश सी हो गई थी और ऐसे लग रहा था जैसे वो सीढ़ियों में ही गिर जाएगी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हंटेड बाय स्पिरिट्स। उसने तो ये महसूस करना शुरू कर दिया था कि कोई बुरी आत्मा इस कमरे में आ गई है। स्ट्रेंजर हैड सम हार्ड कॉज्ड बाय द एंटर इनटू द फर्नीचर। और वही बुरी आत्मा इन फर्नीचर के साथ ऐसा कुछ कर रही है। द माई पुअर मदर यूज टू सीट इन दिस चेयर। मेरी बेचारी माँ हमेशा इस कुर्सी पर बैठा करती थी। शी माउंट वह रो रही थी। टू थिंक इट शुड राइज अप इन द अगेंस्ट मी नाउ। और अब यह कुर्सी मेरे ही खिलाफ खड़ी हो गई है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच करप्ट। जितने भी पड़ोसी थे उन्होंने भी ये महसूस किया कि हो सकता है कोई जादू टोना कर दिया गया हो। बट विच करप्ट और नोट, क्या जादू टोना है या नहीं। वेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जी मैंस होम बिकेम नोन द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रेंजली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट। परंतु एक बात और जरूर फैल गई थी कि क्योंकि पादरी के घर में चोरी हुई थी और अचानक ही उस वैज्ञानिक ने सारा पैसा भी दे दिया था। सस्पेंशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश। और ज्यादा गहराई होती चली गई थी इस विचित्र आदत के कारण क्योंकि उसने जो पैसा वहां से चुराया था वो उन्हें रेडी कैश के रूप में दे दिया था। थ्रो ही हैड एडमिटेड नो लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मोर मनी। और थोड़ी देर पहले उसने ये कहा था कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वॉज क्रेटली सेंट फॉर। चुपचाप गुप्त रूप से गाँव का जो सिपाही था उसे बुला लिया गया था। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसिज हाल वेंट टू द साइंटिस्ट। बिना इंतजार किए हुए ही श्रीमती हाल वैज्ञानिक के कमरे में चली गई थी। हु हैड समहाउ मिस्टीरियस अपीयर्ड, जो बड़ी विचित्र तरीके से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। और उसका पूरा कमरा ही खाली लग रहा था। आई वांट टू नाउ, मैं जानना चाहता हूँ व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन माय चेयर अपस्टेयर्स, कि तुम मेरे साथ सीढ़ियों में क्या कर रहे हो। शी डिमांडेड, उसने पूछ लिया। एंड आई वांट टू नाउ हाउ टू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और तुम इस खाली कमरे में कैसे आ गए हो। हाउ एंटर्ड द लॉक्ड रूम, और कमरे का ताला बंद तुमने इसके अंदर ही प्रवेश कैसे कर लिया। द साइंटिस्ट वाज अवे क्विक टेम्पर्ड, वह वैज्ञानिक बहुत ज्यादा क्रोध में आ गया था। नाउ ही बिकेम फरियस, क्रोधित होते हुए उसने कहा, यू डोंट अंडरस्टैंड हु आई एम एंड व्हाट आई एम, तुम जानते हो मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, वह जोर से चिल्लाया, वेरी वेल आई शो इट, अभी तुम्हें दिखा देता हूँ। सडनली ही थ्रू अप द बैंडेज विस्कर्ड स्पेक्टल्स एंड इवन नोज। अभी अचानक ही उसने अपनी जितने भी सारी पट्टियाँ थी वो उतारनी शुरू कर दी थी, अपनी मूछे उतार दी थी, अपने चश्मे उतार दिए थे और अपना नाक उतार दिया था। इट टुक हिम ओनली एडमिटेड टू डू दिस, उसे एक मिनट लगी थी ये सब कुछ करने में। द होरिएबल्स पीपल इन द बार फ्रॉम देमसेल्व्स स्टेयरिंग द हेडलेस मैन, अभी जितने भी वहाँ पर उस धर्मशाला में व्यक्ति मौजूद थे सारे के सारे एक बिना सिरा वाले आदमी को देख रहे थे। मिस्टर जाफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, श्रीमान जाफर जो कि एक पुलिस वाला था वो वहाँ आ गया था। वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड अरेस्ट टू द मैन विदाउट ए हेड। सबसे बड़ी समस्या उसके सामने ये आ गई थी कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना था जिसका सिर ही नहीं है। बट जाफर वाज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, परंतु जाफर अपनी ड्यूटी को मना नहीं कर सकता था। इफ ए मिग्रेट्स ए वारंट ऑर्डर टू पर्सन अरेस्ट देम हैज पर्सन हैड नो अरेस्टेड विदाउट हेड और विद हेड, चाहे वह व्यक्ति सिर वाला हो चाहे बिना सिर वाला हो उसे तो गिरफ्तार करना ही है। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ गारमेंट्स आफ्टर अनदर। अब उसके सामने एक और विशेष घटना घटित होनी शुरू हो गई थी। पुलिस वाले के ऊपर उसने एक के बाद एक कपड़े उतारने कर फेंकने शुरू कर लिए थे।
फाइनली ए शर्ट थ्रू इन टू द एयर, अंत में उसने एक कमीज को हवा में उछाला एंड द काउंटेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विदाउट समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। और अंत में उस सिपाही को एक ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष करना पड़ रहा था जो बिल्कुल ही दिखाई न दे रहा हो। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने की कोशिश भी की थी, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लो समवेयर सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, परंतु पता नहीं कहां से उन्हें आ आकर मुक्के लग रहे थे। इन द एंड जाफर वाज अनोपड अनकॉन्शियस एज ही मेड द लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड एंड द अनसीन साइंटिस्ट। अंत में श्रीमान जाफर पुलिस वाला बिल्कुल बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने अंतिम प्रयास किया था उसे पकड़ने का और उसे बहुत जोर से मुक्का लगा था। देर वाज नर्वस, सभी परेशान थे, एक्साइटेड क्राइज और सभी चिल्ला भी रहे थे होल्ड हिम पकड़ो पकड़ो, बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, परंतु ये कहना आसान था करना मुश्किल था। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को आजाद कर लिया था एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को ये नहीं पता था कि कैसे पकड़ा जाए। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने करने हैं, व्हाई डज मिसिज हाल फाइंड द साइंटिस्ट एकंट्रिक एकंट्रिक सन की। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट करियर्स एपिसोड ओकर इन द स्टडी ओकर्स इन द स्टडी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी things at the end। Fourth and last question is, how would US is how would you as is Grifin as a scientist आपने टेक्स्ट बुक की सहायता से इन प्रश्नों को अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और इन्हें लर्न करना है। उषा मैडम को भेजियो।